नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे रेडियो चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यदि आप नए हो या मेरे वीडियो पहले बार देख रहे हैं, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और लाइक एवं कमेंट अवश्य करिएगा। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो माहौल बन रही है उस संबंध में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। 5-6 मिनट का वीडियो रहेगा ये, अंतिम तक देखिएगा, पूरी बात आपको समझ में आएगी और अच्छा लगे तो लाइक एवं कमेंट अवश्य करेंगे आप लोग और शेयर अवश्य करेंगे। साथियों, यहाँ पे बात आ रही है कि जैसे कि अभी कुछ ज़िले में, जैसे दुर्ग ज़िले की बात कर रहा हूँ और कुछ ज़िले आए धमतरी ज़िले के आसपास, है ना, उसमें अंग्रेजी माध्यम में संविदा नियुक्ति किया जा रहा है। अब मैं इसमें कोई टिकट टिप्पणी नहीं करूँगा कि क्यों किया जा रहा है, नहीं करना चाहिए, ये नहीं बोलूँगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ सरकार से, और हम चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा ये बात कही जा रहा हूँ। कई लोगों ने कमेंट्स किए हैं और इस बारे में अपना बात मेरे पास रखा हुआ है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि अपनी बात जो है वीडियो के माध्यम से आप सबकी बात जो है आपके पास और लोगों के पास पहुंचना चाहिए और देखे और समझे इस बात को कि सर आप एक बात बताइए, आप संविदा भर्ती कर रहे हैं कोई बात नहीं, पेमेंट भी आप देखेंगे तो रेगुलर भर्ती जो शिक्षक है उसके उतने ही पेमेंट उनका भी है, आप कीजिए। लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा कर्मियों ने ये बात कहा था कि जब तक कि संविलियन नहीं किया जाता रेगुलर शिक्षक भर्ती नहीं होना चाहिए, यही कहा था ना, क्यों? क्योंकि उनका मानदेय जो पेमेंट भर रहा था वो रेगुलर शिक्षक से कम था और उसका सेनाटी मार खा रहे थे, ये कुछ अलग मैटर था। लेकिन कुछ इसी प्रकार से हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो संविदा भर्ती ले रहे हैं, है ना, सबसे पहले आप 14,000 जो 550 जो पद निकाला गया है, है ना, उसको आप कंप्लीट कम से कम कर दीजिए। और जो संविदा भर्ती जो चल रही है आप सौंप से लीजिए। ये सबका कहना, मेरा ही कहना नहीं है, ये सबके कहना है कि संविदा जो भर्ती हो रही है किस टाइप की हो रही है और क्यों किया जा रहा है। और संविदा भर्ती जब हो रही है तो शिक्षक भर्ती जो अभी प्रक्रिया रुकी हुई है वो क्यों रुकी हुई है, क्या कोरोना वायरस जो चल रही है क्या उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? मतलब हमारे मन में जो शंका है उसका समाधान हमारे सवालों के माध्यम से आपको करना होगा। यही हम चाहते हैं कि हमारे समस्या का समाधान होना जरूरी है। हमारे मन में तरह तरह की बातें आ रही हैं और एक मैसेज, एक फ़ोटो वायरल हो रहा है, मैंने देखा फेसबुक पर, ट्विटर पर और व्हाट्सएप में भी मेरे पास आया हुआ है। बड़ा ही दयनीय स्थिति है, कहाँ का है मैं शायद इसका देख नहीं पाया, लेकिन एक हमारे जो साथी, जिस हमारे जो हमारे जैसा ही है, शिक्षित बेरोजगार है, जो TET, DED, BED, MA, वो केवल उस नौकरी नहीं मिलने के कारण खुदकुशी कर ली। और ऐसे कई लोगों के मन में विचार चल रही है, कई लोग बहुत ज़्यादा हताश है। तो आपसे निवेदन है कि इस तरह से आप लोग ना करें, लेकिन ये घटना जो घटी है बहुत दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम सब एक साथ हैं, भर्ती होकर रहेगी, आप ऐसा ना करें। लेकिन उसको भावपूर्ण श्रद्धांजलि, लेकिन सरकार को भी ये बात समझना होगा, यदि ऐसा नौबत नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अभी जो संविदा भर्ती हो रही है अंग्रेजी माध्यम में, ऐसा यदि हिंदी माध्यम में भी आ गया, डेट बेड संघ के द्वारा इसको बायकॉट भी किया गया था कि ये भर्ती नहीं होना चाहिए या इसका स्पष्ट कारण बताया जाए कि क्यों लिया जा रहा है, यानी इस टाइप का कुछ आया हुआ था। और मैं यही कहना चाहता हूँ हम सब अभ्यर्थियों के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि आप भर्ती ले रहे हैं, हम उसको मना नहीं कर रहे मतलब करके, लेकिन हमारी जो प्रक्रिया अटकी हुई है वो भी होना चाहिए, आप वो भी कंप्लीट करा दीजिए।
यदि ये कंप्लीट करा रहे हो तो आपको वो भी कंप्लीट कराना होगा बहुत जल्द। यदि 40 स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में यदि शिक्षकों की भर्ती, संविदा शिक्षकों की भर्ती हो सकती है तो 14,580 शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं हो सकती? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस ये सवाल का समाधान आपको करना होगा, क्योंकि नौबत इस तरह से बनी हुई। आप यदि आपको लगता है कि मैं ऐसी हवा में बात कर रहा हूँ, तो आप सभी जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जिन्होंने जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं, उनसे आप एक बार बात करने की कोशिश कीजिए। आपको उनके व्यथा, चिंता और जो आगे की रणनीति जो सताई कि कब तक की भर्ती होगी, क्योंकि टाइम लिमिट ही नहीं है ना। यदि आप टाइम डेट बता देते हैं तो यकीन मानिए डेट बताने के बाद सबके मन में सुकून मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि हमारे बातों को आप आगे आकर के कम से कम एक बार, यदि आप कुछ टाइम लिमिट यदि बता देते हैं महोदय जी, तो ज़्यादा बेटर होगा। और जो संविदा भर्ती हो रही है, एक थोड़ी सी चिंताग्रस्त की बात है जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए, सभी के लिए है। क्योंकि संविदा भर्ती हो जाती है तो ऐसा लगता है कि शिक्षक भर्ती नहीं लेने वाले होंगे क्या, ऐसा मन में विचार चलता है। लेकिन ये तो नहीं होने वाला, हम जानते हैं और नहीं होना चाहिए। यदि संविदा भर्ती हो रही है तो आपको शिक्षक भर्ती पहले करना होगा, फिर संविदा भर्ती कीजिए, ये सबका कहना है और ऐसा होना चाहिए। फिर सर पहले रेगुलर भर्ती आप कंप्लीट करें, यदि पद आपके पास बचा हुआ है तो संविदा भर्ती भी कीजिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, सबका कहना है। दोस्तों यदि मेरे बात आपको यदि अच्छा नहीं लग रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिएगा। लेकिन मेरे मन में जो आया और जो दोस्त लोगों ने बात किया मेरे से कि संविदा भर्ती किस प्रकार की हो रही है, क्यों हो रही है, और इस यदि संविदा भर्ती होती है तो क्या रेगुलर भर्ती नहीं होगी, इस टाइप के मन सबके मन में विचार चल रही है। तो मुझे लगा इस संबंध में वीडियो बना देनी चाहिए था, मैंने वीडियो बनाया। और मुझे लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ उस टाइप का यदि होता है तो किसी को इसमें चिंता करने की बात नहीं है। पहले रेगुलर भर्ती हो जाए, फिर आप संविदा भर्ती करते रहिए। पहले संविदा भर्ती करेंगे और उसके बाद रेगुलर भर्ती करते हैं तो भी हम, लेकिन प्रोसेस चलते रहने चाहिए, हमारी भी प्रोसेस शुरू कीजिए। जो शिक्षक भर्ती रेगुलर है, आपसे निवेदन है कि आप इस संबंध में भी सकारात्मक पहल करते हुए हमारे समस्या का समाधान कीजिए। तो दोस्तों ये छोटी सी मेरे तरफ से पहल था। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।